जम्मू कश्मीर में वोट डालने को लेकर बड़ा फैसला, गैर कश्मीरी भी कर सकते हैं मतदान। जम्मू कश्मीर चुनाव आयोग का अहम फैसला, वोटिंग के लिए स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने जताया फैसले पर विरोध। जम्मू कश्मीर में रह रहे बाहरी लोग वोटर लिस्ट में दर्ज करा सकेंगे अपना नाम, इस साल के अंत तक हो सकते हैं चुनाव। जम्मू सांबा कठुआ में एनआईए का बड़ा एक्शन, टेरर फंडिंग से जुड़े केस में छापेमारी। एनआईए सूत्रों के हवाले से खबर, सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजे जा रहे हथियारों की खेप, ठिकाने लगाने वालों पर शिकंजा। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा यमुना का जलस्तर, निचले इलाकों से लोगों को हटाया गया। खंडवा में उफान पर नर्मदा, इंदिरा सागर ओंकारेश्वर बांध के गेट खोले गए, इंदौर के बीच मोरटक्का पुल पर आवागमन रुका। आगरमालवा जिले में भारी बारिश के चलते जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे गाड़ियों में सवारी, शक्तिपीठ बगलामुखी मंदिर पहुंचने का एकमात्र रास्ता भी बंद हो गया। फतेहपुर शेखावटी में बारिश से भरे रेलवे अंडरपास में फंस गई स्कूली बस, बच्चों में मची चीख पुकार। बारां जिले में हो रही बरसात के चलते लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं, जान जोखिम में डाल नदी और पुलिया पार करने को लोग मजबूर हो गए। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली और यूपी के कई शहरों में डॉन और उसके करीबियों के ठिकानों पर रेड। प्रयागराज पुलिस की तरफ से संगम तट पे लेजर शो और आतिशबाजी का आयोजन, देशभक्ति की भावनाओं में डूबे युवा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल ने मेले में झूले का आनंद लिया, जन्माष्टमी मेले में आए लोग हुए हैरान। ऑनलाइन कैब सर्विस देने वाली उबर और ओला की मनमानियां अब ब्रेक पे लगेंगी, केरल सरकार ने नई अफोर्डेबल ई कैब सर्विस की शुरुआत की। गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह ने स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल के तहत मेगा ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया, गोवा पुलिस और परिवार के लोगों को मिलेगा इसका फायदा। बारामूला में नियंत्रण रेखा के पास एनसीसी कैडेट्स की यात्रा का आयोजन, महिला डिग्री कॉलेज की 14 छात्राओं ने शिरकत की। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने अल्बर्ट एका वॉर मेमोरियल का किया उद्घाटन, अल्बर्ट एका की शहादत को याद करते हुए जवानों ने बचाया बिल्कुल। असम के दक्षिण सलमारा मनकाचर में बीएसएफ ने हथियारों की लगाई प्रदर्शनी, कई स्कूल के छात्रों ने प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। रामेश्वरम में विश्व शांति के लिए साईं बाबा के भक्तों ने किया महायज्ञ, वैदिक मंत्रों के साथ 108 जोड़ों ने एक साथ किया यज्ञ। चेन्नई पुलिस ने ड्रग जागरूकता अभियान का आगाज किया, कार्यक्रम के तहत इसका आयोजन किया गया, 350 स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने इसमें शिरकत की है। भारत जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की सीरीज, पहला वनडे आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में होगा मुकाबला, 6 साल बाद एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगी दोनों टीम्स, 2016 में भारत और जिम्बाब्वे का हुआ था मैच। जिम्बाब्वे में मैदान पर उतरेगी भारतीय युवा टीम, कई सीनियर खिलाड़ियों को दिया गया आराम, शिखर धवन की जगह केएल राहुल को मिली टीम की कमान, टीम में 5 ओपनर बल्लेबाजों को मिली है जगह। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा चीन से मुकाबले को तैयार, कड़ा जवाब देंगे। अर्जेंटीना में आर्थिक संकट के बीच भारी विरोध प्रदर्शन का दौर जारी, राजधानी ब्यूनस एयर्स की सड़कों पर उतरे 1 लाख से ज्यादा लोग। न्यूयॉर्क के कैटस्किल्स में बंद पड़े लग्जरी होटल में लगी भीषण आग, 812 एकड़ में फैले ग्रॉसिंगर होटल को बड़ा नुकसान।